अभी हम लोग एक ऐसा अभ्यास करेंगे जिससे गैस कब्ज ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? गैस बनना, कब्ज होना। और जिसको गैस बनेगा उसको बीपी की बीमारी हो जाएगी, जिसको गैस बनेगा उसको हृदय रोग हो जाएगा, जिसको गैस बनेगा उसको शुगर की बीमारी निश्चित होगी। तो शुगर ठीक करना जरूरी है कि गैस ठीक करना जरूरी है? हृदय रोग का बचाव करेंगे कि गैस पहले दूर करेंगे? यानी जिससे जिसकी उत्पत्ति हो रही है उसको दूर करना है हमें। अभी क्या होता है कि गंदगी, जैसे कोई देखे होंगे कोई बड़ा लोग आते हैं शहर वहर में तो गंदगी है उस पे क्या करता है कि उजला लेके चूना छिड़क देता है नहीं, या उस पे तिरपाल डाल दिया तो गंदगी दूर हो गई? गंदगी देखने में दूर है लेकिन अंदर तो बदबू मार ही रहा है वो। तो हम लोग क्या करते हैं, गैस का प्रॉब्लम जो होता है, कब्ज का जो प्रॉब्लम होता है, उसकी दवा ना करके उसके द्वारा उत्पन्न रोगों को इलाज करने में लग जाते हैं। तो यहाँ जड़ तो गैस है, तो गैस कैसे ठीक होगा, कब्ज कैसे ठीक होगा, उसके लिए कपालभाति करेंगे। कौन सा अभ्यास करेंगे? तो 2 मिनट करिए कपालभाति, जिनको गैस कब्ज है उनके लिए। आंख बंद कर लीजिए और 2 मिनट करिएगा, ज्यादा नहीं। गांव में लगभग 99% लोगों को गैस और कब्ज हो रहा है। कोई अंग्रेजी दवा खा रहा है, कोई आयुर्वेदिक चूर्ण फांक रहा है, कोई काढ़ा बना करके पी रहा है। बहुत अच्छा, गले से आवाज नहीं, बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है आप लोगों का। हम बहुत प्रसन्न हैं देख करके कि ऐसा लग रहा है कि मानो आप कई वर्षों से अभ्यास में लीन हैं। ये सब आपके पूर्व जन्मों का यह प्रतिफल है, भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। गैस कब्ज के लिए निश्चिंत रहिए, केवल कपाल भाति को 15 मिनट सुबह और शाम को कर लें। यदि एक टाइम भी कर लेते हैं तो गैस कब्ज का तो नामो निशान मिट जाएगा धरती से। एक व्यक्ति का नहीं, इसको गांव गांव में सिखा दीजिए, घर घर में सिखा दीजिए। पता चलेगा कि उस परिवार का जो पैसा गैस कब्ज की दवाओं में लग रहा था वो पैसा उसको बचेगा। तो गरीब होगा कि अमीर होगा? अमीर होगा, अमीर बनेगा ना, पैसा बचेगा तो बच्चा को कॉपी लाएगा, बच्चा को जूता खरीद के लाएगा, है परिवार को साड़ी खरीद के लाएगा। यहाँ तो दिन भर हाड़ तोड़ के कमा रहे हैं और सांझ को पैसा जो हो रहा है वो दवाई में लगा रहे हैं, तो कहाँ से हमारा जीवन शैली ऊंचा होगा? करिए, घर घर में लोग बीमार हैं, एक एक व्यक्ति बीमार है। ऐसा गांव में किसी से पूछ के देखिए कि 5 साल में कोई दवा खाए हैं कोई, तो बोलेगा कि दवाई तो रोज खा रहे हैं सुबह तक। मरी कपाल भाती, सब अंग्रेजी डॉक्टर लगभग बीमार है और सब योगा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और हम उसके यहाँ जाके गैस की दवा मांग रहे, शुगर की दवा मांग रहे। बहुत सारे डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको खुद गैस है, कब्ज है, शुगर है, बीपी है और तमाम बीमारियां हैं, और हम जाके उसके यहाँ दरबार लगाते। इसलिए प्रभु के चरणों में बैठ करके, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके और कपाल भाति रूपी औषधि का जब सेवन करेंगे तो हजारों प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है।